केमिस्ट्री डिफिनेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि केमिस्ट्री कौन से साइंस में आते हैं, तो केमिस्ट्री आता है फिजिकल साइंस में। तो हम कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस का वो शाख, द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस के वो शाख जिनमें हम किसी मैटर का स्ट्रक्चर, कंपोजिशंस, प्रॉपर्टीज और मैटर में जो चेंजेस हो रहा है उनके बारे में स्टडी करें, तो हम उनको क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। मैं आपको क्या कहता हूं कि स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ऑफ मेटल, किसी मादे की हम स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर मीन साख बनावट के, एक मेटल कैसा बना हुआ है, कंपोजिशन किन किन चीजों से बना है, प्रॉपर्टीज और उनका क्या खसूसत है, किस चीज का मेटल का, और हम वो भी मेटल्स भी एंड चेंजेस अकरिंग इन मेटल्स, चेंज जिंग अकर्स इन मेटल, और मेटल में जो चेंजेस हो रहा है तो उनके बारे में हम स्टडी करने को क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। तो आप पहला ये जाने के मेटल क्या चीज है, वो चीज जो वजन और जगह रखे उनको हम क्या कहते हैं, मेटल्स। वो चीज एनीथिंग, वो कोई भी चीज विच ऑक्यूपाई, जो लेता है स्पेस एंड समय, जगह और वजन रखता हो, इस कॉल्ड मेटल्स। कोई भी चीज जो जगह और वजन रखता हो तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। अब हम आपको केमिस्ट्री का डेफिनेशन समझा रहे हैं कि आप लोग केमिस्ट्री का डेफिनेशन कैसे जानेंगे, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से केमिस्ट्री का फुल डेफिनेशन आपको समझा रहा हूं। लेकिन पहले आप लोग ये जाने के मेटल्स, वो चीज कोई भी चीज जो जगह रखे और वजन रखता हो तो उनको हम क्या कहते हैं, केमिस्ट्री कहते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ईजी फॉर एग्जाम्पल वो है H2O। तो मैं आपको ये केमिस्ट्री में कैसे एक्सप्लेन करता हूं, तो ये है ऑक्सीजन, यह दो हाइड्रोजन लगे हैं, ठीक है, तो हम इनको कहते हैं स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर्स के उनका साख्त क्या है, तो उनका साख्त है, ये इनका स्ट्रक्चर जो है ना, ये एंगुलर है, क्या है, एंगुलर है या बेंट भी कहते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, एंगुलर है या बेंट भी कहा जाता है, और बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड एंगल यहाँ पर 120 अप्रोक्सीमेटली है, तकरीबन 120 बॉन्ड एंगल है, तो ये स्ट्रक्चर से। अब मेटल है ना, H2O क्या है, मेटल है, जगह भी रखता है और वजन भी रखता है, तो हम उनको क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। तो ये मेटल्स की हम ये स्ट्रक्चर, कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज बयान करते हैं। तो मैं आपको एक ये तो स्ट्रक्चर्स आ गए, अब कंपोजिशन बता रहा हूँ, कंपोजिशन H2O है, तो इनका H2O का कंपोजिशन क्या होंगे, तो H2O का कंपोजिशन ये है कि इनमें टू हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो हम इनको क्या कहते हैं कि ये उनका मेटल का कंपोजिशन है। कंपोजिशन तो एक्सप्लेन हो गया है, अब मैं आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूं। H2O है ना, H2O इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट सर, यूनिवर्सल सॉल्वेंट सर, H2O क्या है, वो एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, मतलब कि इनमें सभी बहुत से चीजें हल होते हैं, तो उनके ये उनकी क्या है, प्रॉपर्टीज आ गए। अब मैंने तुम लोगों को बताया है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट जिनमें बहुत से चीजें हल होते हैं, तो ये केमिस्ट्री का डेफिनेशन है और एग्जांपलों से भी आपको समझाया। अब फिर कहता हूं कि ये स्ट्रक्चर्स बनावट को कहते हैं, साख को कहते हैं, कि किसी मेटल जमीन के जो जगह रखे और
वजन घटता हो तो हम उनको क्या कहते हैं, मेटल्स कहते हैं। और H2O भी एक मेटल है, वाटर भी मेटल है लिक्विड फॉर्म में। तो ये उनका स्ट्रक्चर है, आप लोग देखो एंगुलर बेंड्स, ये उनका कंपोजिशन है। दो हाइड्रोजन वन ऑक्सीजन से बना हुआ है। और ये क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स है, यूनिवर्सल प्रॉपर्टीज है इनका। ये H2O का प्रॉपर्टीज है, खुसूसियत है यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स। यूनिवर्सल सॉल्वेंट्स मीन के ये बहुत सी चीजों को वैल्यू करता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफिनेशन को। नेक्स्ट डिफिनेशन फिजिक्स का है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट साइंस की ब्रांचेस की तरफ चलते हैं, जो कि बायोलॉजी। तो बायोलॉजी जो है ना, ये ग्रीक का वर्ड है और फिजिक्स जो है ना वो लैटिन का वर्ड था, जो नेचर जिनका मानता था। नेचर और बायोलॉजी जो है ना, ये करलिनियस एक साइंटिस्ट था, करलिनियस, उन्होंने दरियाफ्त किया। और ये ग्रीक यूनानी जुबान का लफ्ज है, जो दो लफ्ज हो, बायो मीन्स लाइफ, बायो मीन्स लाइफ, और लॉजी मीन स्टडी। तो द ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजी ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस के वो शाख जिनमें हम जिंदगी के बारे में स्टडी करें। ब्रांच ऑफ बायोलॉजिकल साइंस एंड विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, जिनके बायोलॉजिकल साइंस मतलब के बायोलॉजिकल साइंस की वो शाख जिनमें हम लाइफ जिंदगी के बारे में मुतालिया करें, तो उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल साइंस कहते हैं। अब लाइफ किसे कहते हैं, तो लाइफ का तो कुछ डिफिनेशन ऐसे, कुछ बहुत सारे डिफिनेशन है और कई तो एक्सप्लेन भी नहीं हो रहा है, लेकिन ये छोटा सा डिफिनेशन है। वो कहते हैं द सेट ऑफ कैरेक्टर्स, द सेट ऑफ कैरेक्टर्स विच डिफरेंशिएट, विच डिफरेंशिएट लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग, लिविंग फ्रॉम नॉन लिविंग। तो लाइफ का डेफिनेशन क्या है, खुसूसियात का वो से जो जानदार को गैर जानदार से क्या करे, मुख्तलिफ करे, मतलब के उनसे अलीदगी करे। जैसे कि मैं आपको कहता हूं कि सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, तो ये सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स है, सेट्स ऑफ कैरेक्टर्स क्या है, तो आप लोग यहां देखिए, ग्रोथ, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, ग्रोथ, दूसरा क्या है, सेंसिटिविटी, ठीक है, तीसरा क्या है, रिप्रोडक्शन, ऐसे एटसेट्रा बहुत ज्यादा है, लेकिन मैं आपको ये तीन समझा रहा हूं ग्रोथ। तो आप लोग देख रहे हो कि ये वो खुसूसियत का सेट है जो जानदार को गैर जानदार से क्या कर रहे, अलग कर रहे, जैसे ग्रोथ। अब हम लोग जानदार है ना, तो हम क्या कहते हैं, हम क्या कर रहे, हम ग्रोथ कर रहे, मतलब बड़े हो रहे। और दीवार क्या है, दीवार, दीवार तो नॉन लिविंग है ना, वो मतलब ग्रोथ नहीं कर रहे। दूसरा है सेंसिटिविटीज, तो सेंसिटिविटीज वो चीज है कि हम किसी चीज को महसूस करें, जैसे कि गर्मी आ गए तो हम क्या के हम नहाते भी है, और मतलब है कि कोट और ये चीजें नहीं पहनते हैं, और सर्दी आती है तो हम कंबल ये चादर उड़ाते हैं। लेकिन अब लोग, मैं आपको बता रहा हूं कि कभी आप लोग दीवार को देखें तो उन पर ना गर्मी लग रही और ना सर्दी, तो ये भी खुसूसियत में आता है। तीसरा है रिप्रोडक्शन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने नसल्स, मतलब के हम लोग बच्चे पैदा करते हैं, नसल्स को आगे बढ़ा रहे हैं, तो उनको हम रिप्रोडक्शन कहते हैं कि मतलब के जो हमारे मतलब के नसल बढ़ा रहे, तो उनको क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। और जो गैर जानदार है, परिस कर दिमाग है या कोई वो चीज है जो सांस नहीं ले रहे, तो वो भी प्रोडक्शन नहीं करते। तो ये वो खसूसियत का वो सेट है
जो जानदार को गए जानदार से क्या करता है, अलग कर देता है, अलीदा अलीदा कहता है, तो हम उनका इसको क्या कहते हैं, लाइफ कहते हैं। और ये बायोलॉजी डिफिनेशन है, तो जिनमें हम लाइफ के बारे में मुताला करें तो उनको हम क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। अब बायोलॉजी में सांस लेने में भी बहुत ज्यादा चीजें आती है, तो उनको तकसीम किया हुआ है, उनको तकसीम किया हुआ है। और वे में आपको यहां से एक एक बयान करता हूं। तो अब हम बायोलॉजी जो तीन मेन ब्रांचेसों में तकसीम हुआ है, तो हम एक एक उनको डिफाइन करेंगे। तो पहला है बॉटनी। बॉटनी, तो बॉटनी बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिनमें हम पौधों के बारे में स्टडी करें। तो हम कहते हैं द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड बॉटनी। तो हम पौधों के बारे में स्टडी को हम मुताले को क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। उनमें बहुत सी चीजें आते हैं, फर्ज करें हम किसी पोटैटो मैंगोस ट्री एक्सेट्रा, इनके बारे मतलब के जिन जो भी पौधे हैं इनके बारे में हम मुताला करें तो उनको हम क्या कहते हैं, बॉटनी कहते हैं। क्योंकि वो भी सांस लगाए ना, ऑक्सीजन की शिकल में वो भी लिविंग में आता है। तो बायोलॉजी का ब्रांच क्या है, बॉटनी भी एक बायोलॉजी का ब्रांच है। दूसरा आपको मैं पढ़ा रहा हूँ वो है जूलॉजी। तो जूलॉजी बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिनमें हम एनिमल जानवर के बारे में स्टडी करें। बॉटनी में तो पौधों के बारे में था, और जूलॉजी में लिविंग मतलब जूलॉजी में एनिमल स्टडी। तो ये बायोलॉजी का वो ब्रांच है जिनमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करें। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। द स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। द स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी। बायोलॉजी का वो ब्रांच जिनमें हम जानदार के बारे में जानवरों के बारे में स्टडी करें तो हम उनको क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैन और इंसान, ह्यूमंस, ह्यूमंस कहिए, ह्यूमंस। और भी बहुत ज्यादा एनिमल्स है जिनके बारे में हम स्टडी करने को क्या कहते हैं, जूलॉजी कहते हैं। अब उनका थर्ड ब्रांच की तरफ चलते हैं, वो है माइक्रोबायोलॉजी। जैसे कि आप लोग नाम से जानते हो कि माइक्रो मीन स्मॉल, तो और बायोलॉजी मीन लाइफ स्टडी। तो वो चीज जो बहुत छोटा हो मतलब के नजर नहीं आ रहे हो और माइक्रोस्कोप पर देखा जा रहे हो, तो इन जानदारों को के मुताला करने को हम क्या कहते हैं, माइक्रो बायोलॉजी। माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो बायोलॉजी मीन द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स। द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तो उनका एग्जाम्पल क्या है, माइक्रो मीन स्मॉल जो छोटा हो, और बायोलॉजी मीन लाइफ स्टडी है। तो वो चीजें जिनमें जिंदगी हो मतलब के वो लिविंग हो, और वो छोटा हो जो हमें आंखों पर दिखाई नहीं दे रहे सामने, और वो माइक्रोस्कोप पर देखा जा रहा हो, तो ऐसे जानदारों के बारे में मुताले को हम क्या कहते हैं, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। अब तो माइक्रोबायोलॉजी जैसे कि एग्जांपल है वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एक्सेट्रा। तो ये चीजें क्या है, ये वो चीजें हैं कि ये हमारे आंखों से नजर नहीं आ गए बल्कि उनको हम माइक्रोस्कोप के जरिए देख रहे हैं। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
इन चैनल्स पर इंशाल्लाह आप लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 9 से लेकर 12 तक क्लास के इंशाल्लाह लेक्चर्स भी देखेंगे और एमसीक्यूज भी देखेंगे। वीडियोस को आगे भी तक देखा करें, जो भी व्यवस्था हो वो भी कमेंट्स में बताया करें और चैनल्स को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे हर नई अनिवार्य वीडियो आप तक पहुंच सके। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।